हेलो फ्रेंड्स, आज चिल्ड्रंस डे है तो चलिए कुछ चिल्ड्रंस के लिए ही बनाते हैं। इस हेल्दी और टेस्टी सा केक, ड्राई फ्रूट केक मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ड्राई फ्रूट मैंने फूलने रख दिया है, बादाम, पिस्ता और काजू। आप इसकी क्वांटिटी अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने इसे 2-3 घंटे सोक कर लिया था और छिलके निकाल कर दूध डालकर मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। इधर एक चीनी को मैंने पाउडर बना लिया है और एक बाउल में डाल दिया है और ऑयल मैंने डाल दिया है और दोनों को अच्छे से फेंट ले। अब उसके बाद जो पिसा हुआ बादाम और ड्राई फ्रूट था उसे डालकर उसे भी साथ में फेंट ले। सारे चीज़ों को फेंटने के बाद मैदा मिक्स करेंगे। आप कप से मेज़र कर सकते हैं अगर आपके पास ये मेज़र वाले कप नहीं है तो। मैंने 1.5 कप मैदा डाला है। मैदे को हमेशा चाल कर ही डालें, इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। और मिक्सर को भी मैंने खंगाल कर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लें। दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और मिल्क पाउडर डाला है मैंने, ये ऑप्शनल है, इसे डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए रिबन कंसिस्टेंसी आ गई है। अब इसके बाद बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और विनेगर डालकर कट एंड फोल्ड मेथड से स्पैचुला से मिक्स करेंगे। इसे एकदम हल्के हाथों से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और मैंने इधर केक टिन को तैयार कर रखा था बटर पेपर लगाकर और ऑयल से ग्रीस करके, उसमें डाल दें। पूरा ना भरे, 1/2 इंच खाली रहने दें और इसे टैप कर लें। और बचे हुए ड्राई फ्रूट को मैंने कट करके ऊपर से गार्निशिंग कर लिया है। मैं कुकर में बेक करने जा रही हूँ। कुकर को मैंने पहले से ही 15 मिनट के लिए फ्री कर लिया था, गरम कर लिया था। और नीचे नमक और स्टैंड रख के मैंने ट्रे को रख दिया है। अच्छे से रखें, केक कुकर बहुत गर्म होता है। बचे हुए बैटर को मैंने अपम मेकर में बना लिया है क्योंकि केक बनने में 45 मिनट लगेगा और बच्चों को तो पेशेंस होता नहीं है, तो मैंने मिनी केक बनाकर तब तक दे दिया है। 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया है नाइफ़ की सहायता से। देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक हो गया है। चिमटे की सहायता से इसे निकाल लें और ठंडा होने दें कुछ देर के लिए। जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए तो हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक निकल गया है। और ऊपर से बटर पेपर को हटा दें, ये भी बिल्कुल आसानी से निकल गया है। केक का कलर देखा दोस्तों, कितना अच्छा आया है और कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। जो बच्चे ड्राई फ्रूट ऐसे नहीं खाना चाहते, आप उसे इस केक में डालकर अच्छे से खिला सकते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं खाते तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ उनके लिए। मैं केक कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट सा केक बना है हमारा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है और हेल्दी तो है ही। चिल्ड्रंस डे में मैंने केक बनाया अपनी बेटी के लिए और मोमोज लंच में मैंने बना के दिया है। आप भी ये केक और मोमोज बनाकर अपने बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करें। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बाय।